फोटो खींच लू ये बाल कटाने वाले बिस्तर में सो रहा है ये अब मैं वहां चेयर कुछ और पंगा मंगा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनव चिराग रावत। तो आज है तारीख 25 जनवरी। तो आप लोगों ने कल के व्लॉग्स देख ही लिए होंगे कि हम लोग वापस आ गए थे और कैसे हम लोग फंस गए थे, बहुत मुश्किल से निकले। आज एक्चुअली बुआ का कल दो दिन पहले जब मैं जिस दिन मैं लैंसडाउन जा रहा था उस दिन बुआ का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। मैं जस्ट वापस आया था कल तो मुझे पता चला। तो इसीलिए आज एक सडन प्लान बनाया कि बुआ को जाकर सरप्राइज़ देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नोएडा बुआ के पास। तो अब देखते हैं कि बुआ को कैसा लगा और मैं आपको वहाँ पे अपने और फैमिली मेम्बर से भी मिलाता हूँ। तो अभी इसको डालेंगे यहाँ अंदर और इस वाली को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये जो है सेंट्रो उसके 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसको नोएडा में तो एंट्री होगी नहीं ऐसे, तो इसको हमने यहीं रखा है। ये हम लोग सिर्फ लोकल पर चलाते हैं, हिल स्टेशन पर जैसे मैं लेके गया था। बट अब तो मैं पापा की बड़ी जाने मन निकालूंगा, अब आप लोग देखिए। चलो तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नोएडा के लिए। कैसे लग रहा है आपको सडनली एक बार आपको लेके जा रहे हैं? सडन 3 साल बाद जा रहा हूँ मैं। 3 साल बाद जा रहे आप लोग? हाँ। पापा वहाँ ताला लगा रहे हैं। तीन साल तेरी बुआ का ऑपरेशन हो रहा था, हमने कहा चलो देख के आ जाते हैं। चलो फिर अब चलते हैं, फिर आपको धीरे धीरे बताऊंगा रास्ते में कि कैसा रहा। अभी तो थोड़ी देर पापा चलाएंगे क्योंकि मेरे को काम करना है। तो अभी मुझको मोहित भाई मिले थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे बोला मुझे मेरे साथ फोटो खिंचानी है। पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा किसी ने फोटो खिंचाई हो। चलो अच्छा लग रहा है आज। तो अभी हम लोग मीरापुर पहुंचे हैं और मेरा अभी काम ऐसे चल रहा है और यहाँ पे पापा गाड़ी चला रहे हैं और मम्मी यहाँ बैठी है। पर यहाँ फैक्ट ये है कि यहाँ किसी ने मास्क नहीं लगा रखा भाई, किसी ने भी नहीं, किसी को कोई डर ही नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब भी नहीं। गाड़ी चला रहे, स्कूटर चला रहे, ये देख बोल रहे सब, कोई मास्क जैसे कि इनको बोल रहा है कि मास्क पहनना है तो तब देखना। एक नहीं देखना, इधर देखो, ये देखने भी मास्क नहीं लगा रखा, एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा, देखना किसी एक बंदे ने भी मास्क नहीं लगा रखा। पता नहीं अब क्या ही चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रहा है नहीं भाई कोरोना, इनको पता नहीं चला अभी तक, न्यूज़ नहीं आई इनके पास अभी तक। तो अभी हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है, जब हम चाय पी रहे हैं क्योंकि 4 बजने वाले हैं। हमें काम कर रहा हूँ, पापा ऐसे बैठे और मम्मी जानवी से बात कर रही है। तो अभी चाय आती फिर बताओ कैसी हो रही है। चाय चाय और बिस्किट, पहले चाय पी लेता हूँ मैं। तो अभी हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच गए बट हमने किसी को बताया नहीं है कि हम लोग आ गए, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। है? ये क्यों आया नहीं? ए मत कर इसे मेरे सामने। क्यों? किरण जी। ए प्लीज यार ये मत। ये है हमारे परिवार की बुआ। ये ठंडा। क्या हो गया आपको, तबीयत खराब? ये किरण जी। ये क्या? फोटो खींच लो ये बाल उठाने। तबीयत खराब है फिर भी बोले बाल उठाने दे। ऑपरेशन हो गया वही, अब तो ठीक चला चलना। मैं सोच रहा था आप कोड़दार आओगे क्या? अरे बेटा कोड़दार, अब देख दादी की बरसी का हो जाए ठीक तो आ जाओ, तब तो होने पड़ेगा कुछ। अरे मार्च में ठीक हो जाएगा, बुरी मेहनत है लोगों ने। देखो ये मेरे पापा जी हैं, मोटी तो मिलो इनसे, भाभी से भी मिलाऊंगा अभी पता नहीं क्यों। तो पापा जी मेरे को देखे हैं वीडियोस? नहीं नहीं, अब दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे आप और लोगों से मिलाऊंगा अभी धीरे धीरे करके। हाय स्नोई, हेलो, इसका भी वीडियो बना रहा हूं। नहीं नहीं नहीं। तो अभी मैं बुआ के घर गया, उन सबको मिलाया, उन सबसे मिला, आप लोगों को भी मिलाया। अभी मैं जा रहा हूँ तरुण के घर उनको सरप्राइज देने कि मैं आ गया हूँ। चलो देखते हैं उनको कैसे रिएक्शन होता है। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर और 27वें माले पे जाना है भैया। अभी अभी तो क्या है लिफ्ट थोड़ा अच्छे से चलती है, फिर ना 15वें माले के बाद थोड़ा खींचने लगती है तो खुद से डर लगने लग जाता है। अभी देखते हैं भैया का बर्थडे कैसा क्या चल रहा है, पार्टी वार्टी चल रही है कि। तो अभी मैं खाऊंगा पान, खाऊंगा पान पान।
एक कैरेमल है, हाँ जी, एक डार्क चॉकलेट है, ओके, ये मैंने खोल के देखा नहीं कौन सा है, है ये भी चॉकलेट का ही, ये क्या चीज है, ये भी चॉकलेट है, नहीं टोटल पान का पान है, पान पान सबके अंदर पान ही है। तो ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं तरुण भाई के घर चला गया था, उनका बर्थडे था, वहाँ पार्टी करने चला गया, तो थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और आज बना है बुआ के घर पे राजमा चावल, सब्जी भी आ रही है और ये तो खैर सैलेड है। पापा सबको कर रहे हैं परेशान, क्यों कर रहा है परेशान? परेशान नहीं कर रहा मैं, ये सूरज के दिन में मेरे को बिठा दिया ठंडे में, ये तो ये कैमरा मेरे को बिठा दिया ठंडे में, ये देख अपने आप बंद कर इसको, ये देख अपने आप हीटर में फसला, हीटर वाले बिस्तर में सो रहा है, अब मैं वहाँ कुछ पंखा बंद कर इसको, गलती से पंखा खुल गया मेरे से, गलत है भैया सो गया अपना हीटर लगा रखा अंदर, वो लगा तो आपने बाहर ऐसे छोड़ दिया ठंड में आराम, अरे ये इतना गर्म हो रहा है, ये भी तो आप भी सो गए थे, खाना बनाना था ना खिलाना, तो रात को कल 2:30 बजे सोए थे हम, कल सबने पार्टी करी भाई सबने, भाभी मुझे बोल रही मत बना, क्यों इसीलिए नहीं बना क्योंकि क्या पता फिर आपको सब स्कूल में बोले कि अरे आपको हमने कहीं देखा था, इसीलिए तो मैं चाह नहीं रही कोई मेरे को स्कूल में ऐसे बोले। बुआ ये जो आपने स्वेटर पहनी है वो आपने खुद बनाई है ना? खुद बनाई है। हमारे पूरे परिवार में सब में सबके पास जो स्वेटर है ना ये से मम्मी ने पहन रखी, सब मम्मी की स्वेटर की जो तारीफ कर रहे थे वो सब बुआ ने ही बना रखी, वो सब अभी भी बनाई रही है। देखो अब बरसात शुरू होती है, जब भी मैं आता हूँ हमेशा होता है बरसात शुरू होती है बारिश जुलाई अगस्त में, फिर मैं शुरू कर लेती हूँ। और दीदी आपने कितनी स्वेटर बना ली होगी? हाँ वो कितने इन टोटल पता नहीं, गिनती है गिनती तो नहीं है, लेकिन मेरे को एक दिन मैं बैठे बैठे गिन रही थी तो मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए 30, ये छोटी बहू के लिए 15, बेटी के लिए 40 ऊपर ही होगा, और अपनी अभी मेरे पास 60 है। आपका एक खर्चा तो इसमें जा रहा है, वो आधा एक आधा खर्चा तो आपको ऊन में जा रहा है, ये तो 60 आपको तो वो पहचानते होंगे आप जहाँ से ऊन लेते हो आप। अच्छा तो अभी हम लोग मेरी बहन के यहाँ भी जाएंगे तो आपको मैं उनसे भी मिलाऊंगा, उनकी भी एक अलग ही स्टोरी है, मतलब वो कहानी है उनकी भी। चलो फिर पापा ने बड़ी स्टाइल से बोला तो मुलायम कद्दू कट जाएगा। ये ताकत और घर का नाम है मंगलम। हेलो, ये हमारी ये दीदी मेरी, जिनको मैंने लास्ट टाइम प्लान बताया था कि मैं ऐसे करूंगा और आज बार मैंने वो एग्जीक्यूट किया। हेलो कांग्रेचुलेशंस बाय द वे, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं दीदी के घर आया हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था, तो ये दीदी की बेटी है अनघा, खुद का चैनल भी है पर उसमें सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आगे क्या बढ़ जाएंगे, और इसकी जो पेंटिंग सिर्फ यहाँ यहाँ पे नहीं है, ये हर दीवारों में है भाई, ऐसी मम्मी जिन्होंने खुद हेल्प करी कि बेटा आज दीवार खराब करते हैं, ये देखो ये एक नहीं है, फिर ये भी है और फिर वो वाली भी है, आप लोग जब उसने पेंसिल से सारी दीवारें खराब कर दी तो तब दीदी ने इसको सही करा, अब इसका स्नोई ये एक हम करते हैं अगर पेंसिल से तो हम सही होते, फिर दीवार में नहीं होता वो, क्यों बेटा मैं सही कर देता हूँ, हमें आती नहीं थी पेंटिंग, नंदू को तो पेंटिंग आती आती थी तो करती करती, आप पहले से पेंटर पेंटिंग भी करता? हाँ ये आपने बनाई है, ये भी obviously, ये भी हाँ, ये भी ये मेरे परिवार में मैं ही निकलूं क्या फिर ऐसा? कुछ नहीं आता जिसको नहीं नहीं मैं तो सब नहीं तो लड़के सा नहीं वो कृष्णा और वहाँ पे भी एक तो ये भी दीदी ने बनाई है और ये भी दीदी ने बनाई है, आप लोग क्या फिर आपको आज पता चल रहा है नंदिता के हां देखो दीदी का डॉक्टर पता है दीदी डॉक्टर है, आप लोगों को क्या तो खर्चा ही नहीं फिर तो किस चीज का पेंटिंग का तो आर्टिस्ट नहीं है, दीदी ने सारी वो करवा रही है, बाकी अभी दीदी ने बहुत अच्छा खाना बना रखा है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, बट फिर ये बोलने की जरूरत नहीं कि आप लोग जब देखो तब वही खाते रहते हो, क्योंकि हमारे हम है पहाड़ी ऐसे, शाम को हमको चिकन मटन चाहिए होता है, तो यहाँ पे दीदी खाना बना रही है, क्या बना रहे हो?
हरे भरे कबाब। इस पे तो खैर ये है स्टेपल डाइट। आयो क्या चल? और ये ड्राई चिकन, ये हो चुका गाजर का हलवा, गाजर का हलवा कब बनाया ये सब? और ये किस पे क्या चल? ये भात। तो अब एक काम करता हूँ, रोटी बनाए दो फिर खा ही लेता है क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, पता नहीं क्यों लग रही है पर लग रही है। अभी खा के टेस्ट करके बताऊंगा कैसे बनाए, तभी मैं टेस्ट करता हूँ कैसे बने। बहुत ही टेस्ट कर रहा है, बहुत बहुत गर्म है जिन यार, बहुत अच्छा। तो और बनी बहुत अच्छा रहा है पर गर्म बहुत हो रहा है। बेस्ट फैक्ट है वो है ये चटनी, अरे मैंने खाऊंगा चटनी बहुत अच्छी हो रही है। ये क्या लिखा है आपने पहले ये बता दो मुझे। मुझे 20 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए इसलिए लिखा है। 20 मिलियन चाहिए? 20 मिलियन ना भी मिले तो 1 मिलियन तो मिल ही जाए। हाँ 1 मिलियन तो मिल ही जाए, उससे गूगल प्ले बटन तो मिल जाएगा। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। ओके थैंक यू जी। तो हम जाए अब जरा अपनी बुआ से भी बात कर ले, थोड़ा गुफ्तगू करें उनसे, पूछें। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू एवरीबॉडी। सो हाय गाइस, ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल हम जब रात को बहुत लेट आए 2:30 बजे फिल्म सो गए। अभी जस्ट मैं उठाऊँ नहाया धोया फ्रेश हुआ हूँ, तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं अपने ताऊ जी के घर। आपको मैं बताऊँगा अगले वाले व्लॉग में, आप देखेंगे। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी बुआ अच्छी लगी हो, मेरे भैया और भाभी अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर आऊँ तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।